हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल देवप्रिया। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आप फेस पे मत जाइएगा एंड मेरे लुक पे, बिकॉज मैंने और मेकअप रिमूव कर दिया था एंड देन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इसके लिए ऐसा है। तो गाइज, मैं आज यहाँ पे लेके आई हूँ इंडियन वेडिंग गेस्ट लुक, जो कि मैंने साड़ी थोड़ा से स्टाइलिश तरीके से वेयर किया है अच्छा सा, और इसी ब्लाउज पे मैंने किया है। ये एक टॉप है, टॉप के ऊपर ही मैंने क्रिएट किया है। तो आप वीडियो देखना बिल्कुल भी ना भूलें, पूरा एंड तक देखें। एंड अगर आप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए। टाइम को ज़्यादा नहीं लेते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने फेस को क्लीन करके अब यहाँ पे मैंने टोनिंग कर लिया है। एंड टोनिंग करने के बाद उसको थोड़ा सा आप सूखने दें, सेट होने दें, एंड देन मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पे फेस सीरम। आप फेस सीरम या फेस ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं जो आप यूज़ करते हो, और अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो आप मॉइस्चराइज़र अच्छे से लगाएं, बिकॉज अभी विंटर चालू हो गया है और हमारे मेकअप कोई भी हो उसका बेस अच्छे से तैयार होना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ ज़्यादा ठंड नहीं है, फिर भी थोड़ा सा स्किन अभी ड्राई हो रहा है। तो आप मौसम के हिसाब से हमेशा आप मॉइस्चराइज़र सेलेक्ट करें एंड अपने फेस के अनुसार कि आपका फेस कैसा है, ऑयली है, ड्राई है, कैसा है, उसके हिसाब से आप अपना मॉइस्चराइज़र सेलेक्ट कर सकते हैं एंड उसको अप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, ताकि मैं कोई भी प्रोडक्ट अपना ऊपर यूज़ करूँ तो वो हमारे फेस में जाके अंदर कोई भी हार्म ना पहुंचाए। इसके लिए जैसे कि आप लोगों को पता है, इतना तो छोटी बात अब बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को तो अब इतना नॉलेज हो चुका है। तो उसके बाद से मैं यहाँ पे एक पेन स्टिक ली हूँ, जो कि एज अ कंसीलर एज अ फाउंडेशन दोनों तरीके से ये काम करता है। तो मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ मुझे कंसील करना है वहाँ मैंने अप्लाई किया है बस इसको। और उसके बाद से मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, और मैंने ब्यूटी ब्लेंडर को पहले से ही गीला कर रखा था। एंड आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा ये फिनिशिंग दे रहा है जो स्टिक है, और मैं ये अभी न्यू यूज़ कर रही हूँ और इसकी तो अब मैं फ़ैन हो चुकी हूँ। बहुत ही अच्छा ये पेन स्टिक है, आप भी यूज़ कर सकते हैं इसको। और मैं तो बोलूँगी जिसके फेस पे बिल्कुल भी कुछ दाग नहीं है एंड फाउंडेशन वगैरह वो लगाना पसंद नहीं करते हैं वो ये ज़रूर लें, क्योंकि ये क्रीमी टेक्सचर में है। एंड इसको मैं दोबारा से वहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ जहाँ मुझे दाग थे, एंड अपने अंडर आइज़ मैंने इसको अप्लाई कर लिया है एंड इसके लिए, ताकि मैं फिर जो भी आई मेकअप करूँ वो अच्छे से पॉप हो गया है। तो गाइज़ मैं इसको बता देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी तो प्रोडक्ट अपना मेंशन नहीं करती, लेकिन मैं इसमें बता दे रही हूँ, ये कलर एसेंस का मेकअप पेन स्टिक है, बहुत ही अच्छा है, आप ले सकते हैं। और आपके फेस पे अगर बिल्कुल भी कुछ दाग नहीं है या हल्की सी कहीं एक दो दाग है तो आप इसको ज़रूर बाय करें। और ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, आपको बहुत ही सस्ती पड़ जाएगी, कुछ 160 के आसपास में ये जाएगा, तो आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और आप अपने शेड के अनुसार ही ले, किसी शॉप पे जाके उसको पसंद करके ही ले, और बहुत ही बढ़िया रहेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है फाउंडेशन, एंड फाउंडेशन को भी मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, कोई भी हम प्रोडक्ट लगाए उसको ब्लेंड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे फेस पर तभी ही जाके मेकअप का जो बेस है उसके वजह से हमारा जो मेकअप है वो अच्छे से सेट हो पाता है। ब्लेंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने यहाँ पर ब्लेंड कर लिया है और आप देख सकते हैं मेरे फेस पे बहुत ही अच्छा साइन एंड फिनिशिंग आ चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक सेटिंग पाउडर से इसको सेट कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट पाउडर या सेटिंग पाउडर आप कुछ भी ले लें एंड उसको सेट कर ले। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक न्यूड सा कलर ले लिया है एंड उसको उससे मैं अपना बेस तैयार कर लूँगी। तो आप कभी भी जब भी आप बेस तैयार करें आई मेकअप का, तो उसकी आप न्यूड कलर ही ले एंड उसको क्या करें, एक्सेस जो होता है वो उसको निकाल दे प्रोडक्ट को। एंड आप उसको जब ब्लेंडिंग स्टार्ट करें तो कॉर्नर से ब्रश लेके स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने यहाँ पे कॉर्नर से ब्रश लेके और देख रहे हैं कि आप अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे जो भी डिज़ायर कलर है वो अच्छे से आ जाए, तो इसके लिए ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। अब सेम मैंने ऐसे ही दोनों आँखों पे कर लिया है। उसके बाद से मैंने शेड लिया है अवेना, जो कि मैं इसको अप्लाई करूँगी, ब्लेंड नहीं करूँगी, मैं इसको अपने जो कट क्रीज होता है उस पर अप्लाई करूँगी। आप कट क्रीज डायरेक्ट भी बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा पॉप करना है, ज़्यादा अपने आई शेडो को शो करना है, ज़्यादा दिखे, उसके लिए आप थोड़ा सा कंसीलर से कट क्रीज करके उसके बाद आप आई शेडो उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इसको डायरेक्ट आई शेडो से ही मैंने यहाँ पे कर लिया है, मतलब सेम मैं इस पर भी कर लूँगी जैसे मैंने इस आँखों पे किया है। एंड करने के बाद उसके बाद मैंने इधर लिया है मिलाना शेड, और उसको लेके मैंने जो कि ब्लू कलर से जैसा होता है तो उसको ही मैंने लेके मैंने अपने साड़ी
जो पहने थे उसी के मैचिंग से उसको मैंने अपने आउटर कॉर्नर पे लगा लिया है, ताकि आउटर कॉर्नर पे मैंने लगाया है, लेकिन आप एक देख सकते हैं कि कैसा लाइन जैसा वहाँ पे ड्रॉ हो गया है कि लग रहा है जैसे कि हमने अलग से ही उसको लगाया हुआ है, वो ऑटोमेटिकली दिख रहा है। अगर आप ऐसा करके जाते हैं तो जो बिगनर होते हैं ना उनसे ये गलतियाँ होती हैं। तो देखिए आप कैसा गंदा सा दिख रहा है। तो इसके लिए एक मेरे पास ट्रिक है कि आप जो पहले कलर अपने आँखों पर अप्लाई किए हैं, जैसे मैंने अवेना शेड यहाँ पर लिया हुआ था, उसको थोड़ा सा अपने ब्रश में लेना है एंड एक्सेस निकालने के बाद उसको अच्छे से थोड़ा सा आप ब्लेंड करें, एक फ्लैट ब्रश ले लें और उसके हेल्प से जहाँ से आपको लाइन शो हो रहा है वहाँ पे थोड़ा अंदर साइड में आप ब्लेंड करेंगे तो देखिए अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। आप पीछे मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं कि उसमें कैसे एकदम से लाइन आ गया था और यहाँ पे आप देख लीजिए कितना अच्छा ये ब्लेंड हो चुका है और बिल्कुल भी लाइन यहाँ पर नहीं है और नहीं पता चल रहा है कि मैंने कहाँ कब कैसे किया था और बहुत ही अच्छे से ये सेट हो चुका है। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा वाइट कलर ली हूँ जो कि इसको आप एज अ हाइलाइटर भी बोल सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आईब्रो के नीचे करूँगी ताकि हमारा जो आईब्रो है वो अच्छे से दिखे, मतलब खुल के आए जब हम अपना आईब्रो मेकअप करें। तो यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर लिया है, उसके बाद मैं फिल करूँगी अपने आईब्रो। तो आईब्रो फिलअप के लिए आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो और आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये नाइट का मेकअप है और वेडिंग में हम अक्सर नाइट में ही जाते हैं अटेंड करने, तो थोड़ा सा नाइट का मेकअप है तो इतना तो करना बनता ही है। तो मैंने जैसे कि दोनों अपने आईब्रोज फिल कर लिए और मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर लिए हुए थे, ना कि मैंने ब्लैक कलर से अपने आईब्रो फिल किए हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं आर्टिफिशियल नहीं क्रिएट करती हूँ, मुझे लगता है कि मैं मुझे सामने से कोई देखे तो लगे कि हाँ नेचुरल इसका ऐसा ही है। तो मैंने वैसे फिल कर लिए हैं, जो एक्सेस प्रोडक्ट था उसको मैंने उसको थोड़ा सा ब्रश से अच्छे से मिला लिया है। एंड अब मैं यहाँ पे करूँगी कंटूर। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं ज़्यादा कंटूर नहीं करती हूँ, ज़्यादातर वीडियोज़ में कंटूर इसलिए नहीं करती क्योंकि डे मेकअप जो होता है उसमें मैं बहुत कम ही कंटूर करती हूँ एंड कम ब्लश यूज़ करती हूँ, मुझे उतना ज़्यादा नहीं, मुझे नेचुरल रहना डे मेकअप में ज़्यादा पसंद है। बट ये नाइट का मेकअप है तो कंटूर ज़रूर करें और शादी है यार, शादियों में जा रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कंटूर कर रही हूँ और वही पेन स्टिक मैंने साइड साइड से थोड़ा सा कर लिया है एंड उसके बाद मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। आप ब्रश से भी कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ही हार्श हो रही हूँ अपने फेस के साथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो फास्ट है इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं एकदम से रगड़ रही हूँ उसको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसको डैब डैब करके आराम से ही कर रही हूँ। आप ब्यूटी ब्लेंडर से मुझे ज़्यादा ईजी लगता है ब्लेंड करना, इसलिए मैं इसको ली हूँ। आप ब्रश से भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मेरा कंटूर एंड फाइनल जब लुक आएगा ना आप इस आपको दिखेगा वीडियो में, बहुत ही अच्छा कंटूर हुआ है एंड बहुत ही अच्छा हुआ है। अगर आप इस पे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टा आईडी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुकी हूँ, तो आप जाके मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। कोई भी लुक आता है तो वहाँ पे मैं वीडियो डालना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ, तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड उसके बाद यहाँ पर मैं ब्लश कर ली हूँ और ब्लश करने के बाद मैं थोड़ा सा मतलब मैं नाइट का लुक है इसलिए मैं ब्लश लगा रही हूँ क्योंकि अच्छा लगेगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोज़ को पतला दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, वैसे मेरी नोज़ पतली है बट फिर भी क्योंकि मैं भूल चुकी थी, कंटूर के टाइम ही कर लेना चाहिए बट मैं भूल चुकी थी, तो अभी मैं इसको थोड़ा सा अपने नोज़ को अच्छे से कंटूर कर ली ताकि ये अच्छे से मेरा नाक थोड़ा सा लंबा और पतला दिखे। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर हाईलाइटर लगा रही हूँ अपने नोज़ पे, अपने चिक पे एंड जिधर आपको हाईलाइटिंग की ज़रूरत है वहाँ पर आप हाईलाइटर लगा लें एंड बहुत ही सुंदर सा एक लुक आपका आ जाएगा। उसके बाद से आप आईलाइनर यहाँ पे यूज़ कर मैं कर रही हूँ सॉरी आप भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप आईलाइनर यूज़ करें, मैं यहाँ पे फॉल्सेस यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे हर वक्त फॉल्सेस यूज़ करना अच्छा नहीं लगता है। सो मैं हर फंक्शन में नहीं यूज़ करती हूँ, कम्फर्टेबल नहीं फील करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कम्फर्टेबल नहीं होता, लेकिन मेरे मन के ऊपर है, मेरा मन करता है तो मैं यूज़ करती हूँ अदरवाइज़ नहीं करती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा मस्करा करूँगी आईलाइनर लगाने के बाद। मस्करा बहुत ही आसानी से और बहुत मतलब आराम से करें आप, नहीं तो पता चलेगा कि आपने उसको अंदर ही डाल लिया आँखों में, फिर पूरा मेकअप ख़राब हो जाएगा।
तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मस्करा कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी लिपस्टिक जो कि पिंक कलर लगाई हूँ। पिंक कलर ब्लू कलर पे बहुत ही अच्छा चलता है, तो मैंने यहाँ पे लिपस्टिक लगा लिया है ब्रश के हेल्प से ताकि अच्छे से लग जाए। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे पिंक कलर का एक ईयर रिंग डाल लिया है एंड बालों को खोल लिया है और एक छोटी सी बिंदी लगा ली है और बहुत ही सुंदर मेरा लुक आया। अगर मेरी लुक पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।